कानपुर में हुई हिंसा में मुख्य सरगना हाजी वसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाजी वसी की गिरफ्तारी से अब 3 जून के दंगों की असली वजहों का खुलासा भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि दंगों की वजह सिर्फ नुपुर शर्मा का वो विवादित बयान ही नहीं है, बल्कि उनके पीछे जमीन हथियाना भी एक बड़ा मकसद था। हाजी वसी एक बिल्डर है, लिहाजा उसकी नजरें हिंदुओं की जमीनों पर थी। जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आए बिल्डर वसी ने शुरुआती पूछताछ में ही बड़े खुलासे कर दिए हैं। सबसे पहले बिल्डर वसी ने बताया कि कानपुर हिंसा की साजिश की आड़ में चंद्रेश्वर हाता को खाली कराना उनका पहला मकसद था। चंद्रेश्वर हाता वही जगह है जहां कई हिंदू परिवार रहते हैं और वहां से पहले भी कई हिंदू परिवारों का पलायन हो चुका है। उन्हें वहां से डराकर भगा देना उनके प्लान का हिस्सा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हयात को बिल्डर वसी ने 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि भी देने की बात कही थी और पुलिस से हुई शुरुआती पूछताछ में उसने 10 लाख रुपए एडवांस देने की बात को कबूला है। क्या 1 करोड़ के लिए थी दंगों की साजिश? उपद्रव के पीछे नुपुर शर्मा की टिप्पणी के अलावा स्थानीय कारण भी थे। उपद्रव स्थल के पास बने चंद्रेश्वर हाता पर था कब्जे का इरादा। कब्जे के लिए वहां रहने वाले हिंदुओं में दहशत फैलाने की थी तैयारी। बिल्डर हाजी वसी और मुख्तार बाबा चंद्रेश्वर हाता हथियाना चाहते थे। हाजी वसी इसी तरह कब्जा कर कई जमीनों पर इमारतें बनवा चुका है। मुख्तार बाबा भी कई जगह कब्जे कर बाबा बिरयानी की चेन तैयार कर रहा था। SIT जांच में वसी और बाबा का D2 गैंग से भी कनेक्शन सामने आया है। कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार हयात के कनेक्शन को तलाशने में लगी हुई है, जिसके तार विदेशी साजिश से तो जाकर जुड़ते ही हैं, बल्कि पुलिस और कई जांच एजेंसियां हयात के स्थानीय कनेक्शन की भी तलाश कर रही हैं। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब कानपुर हिंसा में क्राउड फंडिंग करने वाले मोहम्मद हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बिल्डर मोहम्मद हाजी वसी को क्राइम ब्रांच और SIT की टीम ने देर रात लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार किया था और उससे लगातार इस मामले के बारे में पूछताछ की जा रही है। अपने अभियान में मोहम्मद वसी हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया है। हाजी वसी बेगमगंज थाना क्षेत्र में 3 जून को हुई घटना के एक प्रमुख अभियुक्त हैं और हाजी वसी मुकदमा संख्या 42, 43 और 44 थाना बेगमगंज कानपुर में वांछित अभियुक्त रहे हैं। इनके खिलाफ हमने NBW भी ले रखा था और इन तीनों मुकदमों में इनकी तलाश लगातार की जा रही थी। हाजी वसी की गिरफ्तारी के लिए कानपुर पुलिस ने दिल्ली और आसपास के अन्य शहरों में भी हमने अभियान चलाया था। कल रात सूचना हमें मिली कि हाजी वसी का लोकेशन की स्थिति लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के आसपास है। सूचना मिलने के साथ साथ कानपुर पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए हाजी वसी को इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया है और इस समय हाजी वसी से पूछताछ जारी है। हम जल्दी ही पूछताछ और अन्य विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष हाजी वसी को पेश करेंगे और जैसा न्यायालय का निर्देश होगा वैसी अग्रेतर विवेचनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कानपुर हिंसा की भयानक यादें आज भी वहां के लोगों के दिलों में ताजा हैं, क्योंकि जो कुछ कानपुर में हुआ अमन पसंद स्थानीय लोग कभी भी उसे माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात भी जांच में पता चली है कि उपद्रव करने वाले वहां के आम लोग नहीं बल्कि कानपुर के आसपास के जिलों से बुलाए गए थे। कानपुर में हिंसा की आड़ में स्थानीय हिंदू परिवारों को डराकर वहां से निकाल देने की साजिश ये साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरह से कई लोग देश में नफरत का जहर घोलने में लगे हुए हैं।